ऐसे पानी मिला दरा उसको करंट लगा, मैंने सोचा गिर पड़ी। भाई को मेरे लिए कह रहा था उसको ऐसे से रगड़ा तो वो उसके होश आया कि हमें न्याय मिलना चाहिए नहीं तो हम मिट्टी नहीं देंगे। इन्हीं लोग की वजह से आज हमें 4 लाख का मुआवजा मिला। रहा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। टोरन पावर की लापरवाही के कारण 14 जून 2020 को सिलफाटा पटेल गली में रिजवाना खातून उम्र 26 वर्षीय की खुले केबल के चपेट में आ गई थी, जिसकी मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर आज 4 महीने पूरे हो गए। पिछले 4 महीने से उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान, एडवोकेट कबीर चौधरी, इशाक इनामदार, इन लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद किए और कल टोरेंट कंपनी से मृतक रिजवाना के पति इरफान अंसारी को 4 लाख का मुआवजा मिला। इसके बाद उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान, एडवोकेट कबीर चौधरी और जो है इशाक इनामदार, इन लोगों ने आज पत्रकार परिषद किया। 4 लाख का मुआवजा मिलने के बाद इरफान ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए, साथ में उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान, एडवोकेट कबीर चौधरी, इशाक इनामदार ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। 14 जून को सिलफाटा पे एक दर्दनाक मौत हुई है, ये आप लोगों को ही पता था, सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने इंटरव्यू भी दिया था। उसका कंप्लेंट हम लोगों ने किया दायगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक को, पुलिस निरीक्षक को, और टोरेंट कंपनी के जो MD थे उनको भी हम लोगों ने लेटर दिया था। ये इरफान और इसकी वाइफ का नाम रिजवाना, जो 2 बच्चे गोद में लेकर के जा रही थी सिल फाटे पे नेता कंपा, पानी में इनका जो केबल था वो फटा हुआ था, केबल पानी में पूरा करंट था और जैसे ही वो महिला ने कदम रखा उसमें तो एक बहुत अच्छा हो गया कि माशाल्लाह दोनों बच्चे गोद से गिर गए, लेकिन इतफाक की बात ये दर्दनाक मौत हुई कि वो लेडीज़ उसी पानी में गिर करके जगह पर ही उसकी मृत्यु हुई। उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की माशाल्लाह, काफ़ी लेटर्स दिए और ये इरफान आपके बाजू में ये बैठा हुआ है। कल माशाल्लाह कल इसको कंपनसेशन भी मिल गया 4 लाख रुपए का, जो हमारी सोच और हमारी मेहनत को पूरा हुआ माशाल्लाह। कंपनसेशन टोरेंट कंपनी वालों ने दिया। खैर 14 जून और चेक कल मिला, तो आप ये बीच का वक्फा देख सकते हैं कि 14 जून और आज कितनी तारीख, कल कितनी तारीख थी, मतलब एक अच्छा लंबा चौड़ा वक्फा गया। इसकी प्रोसीडिंग बहुत काफ़ी हद तक करनी पड़ी। मुसीबतें तो देखो हर एक काम में, किसी के हक दिलाने के काम में, सोशल काम में मुसीबतें तो आते रहती, लेकिन हम लोग बेबाकी से लड़े। साथ में माशाल्लाह हमारे इशाक इनामदार जो कांग्रेस के अच्छे बड़े पदाधिकारी हैं, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। असलम शेख साहब जो कांग्रेस के जनसंपर्क मंत्री है थाने जिले के, उन्होंने फ़ोन किया कलेक्टर साहब को, नार्वेकर साहब को, और नार्वेकर साहब से हमारी मीटिंग का अपॉइंटमेंट लिया गया। हम लोग वहाँ पर गए, मैं और इशाक दोनों गए, और नार्वेकर साहब ने भी वादा किया कि उस गरीब को हक दिला तक मैं आपके साथ हूँ, और माशाल्लाह कल यह हक मिला है। कि लोगों में ये जागरूकता होना ज़रूरी है कि MSEDCL हो या टोरेंट कंपनी हो या कोई भी एक्सपेंसिव प्राइवेट कंपनी हो, अगर उनकी लापरवाही से किसी भी गरीब की या अमीर की या किसी भी मजदूर की मौत होती है, तो लोग इसी तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रोसीडिंग की, जिस तरीके से हम लोग पीछे लगे रहे उनके, उस तरीके से हर लोगों का काम है, इस तरीके से गरीब का, अमीर का, सब सबका। अगर किसी की घर की मृत्यु होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी की टांग जाती है, किसी की आंख जाती है, तो इसके लिए सारा समाज मिल करके एक होकर के अगर हक की लड़ाई लड़ेंगे तो नतीजा इंशाल्लाह जो मिला है वो नतीजा। अगर वो FIR करते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो फिर कोर्ट केस, प्राइवेट केस करेंगे। इसी तरह हमने काम किया, उसी के तहत में हमने अप्लीकेशन दिया, टोरेंट को भी इंटीमेट किया और पुलिस स्टेशन को भी कि अगर आप FIR नहीं लेते हो तो फर्दर प्रोसीडिंग के लिए हम तैयार हैं। और अल्लाह का शुक्र है उसी बीच में फिर इमरान भाई ने कुछ प्रेशर बनाया, करीम भाई ने प्रेशर बनाया, इसहाक भाई ने, उसके बाद ये काम आगे बढ़ा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी के साथ कोई भी इंसिडेंट हो, कार एक्सीडेंट हो, बस एक्सीडेंट हो, रेलवे एक्सीडेंट हो, या इलेक्ट्रिकल कोई इंसिडेंट होता है, तो प्लीज़ उसके लिए कंपनसेशन है, उसकी FIR करिए, उसकी प्रोसीडिंग है, इंश्योरेंस है, नहीं तो आप प्राइवेटली, उसके लिए स्पेशल कोर्ट है। 3 बच्चे हैं और हस्बैंड है, आज छोटे छोटे बच्चे, वो दोनों बच्चे बच गए उस इंसिडेंट में, कम से कम ये छोटे सा ही मुआवजा है 4 लाख रुपया, लाइफ तो नहीं आ सकती, लेकिन एक सपोर्ट हो गया। 24 जून के दिन हम लोग को कलेक्टर साहब का टाइमिंग दिया, हम दोनों जाके मिले, कलेक्टर साहब ने फौरन वो जो लेटर था टोरेंट कंपनी को व्हाट्सअप कर दिया था। उस टाइम पे वो रिसीवर लेटर वो सब नहीं बन रहा था कोरोना के केसेस ज़्यादा होने की वजह से। उस टाइम पे कलेक्टर साहब ने हमको दिलासा दिलाया था कि कुछ भी हो जाए आप लोगों को, लेडी को ये मुआवजा मिल जाएगा। उसके बाद 27 जून के टाइम मैंने नितिन राव साहब से मुलाकात करके ये पूरा मैटर उनको बताया था, उन्होंने फ़ौरन वो जो लेटर था MSEDCL डायरेक्टर साबू जी उनको ये फॉरवर्ड कर दिया था।
और यशोमती दाई जो महिला विकास मंत्री है, उन्होंने भी नितिन राव साहब को फोन किया था इस विषय में, और नितिन राव साहब ने उनको भी दिलासा दिया था कि आपके बोलने पे मैं जल्द से जल्द जो है ये लेटर दिला दूंगा। उसके बाद में एमबीसी डायरेक्टर से मैंने जुलाई के फर्स्ट वीक में जाके मिल के आया था, उन्होंने भी मुझे बोला आपका लेटर मुझे मिल गया है, आपको जुलाई के ही इसमें मैं कुछ भी करके आपको मुआवजा आपकी लेडी तक पहुँच जाएगा। पर कुछ रीज़न की वजह से तो ऑलरेडी वो लेटर जो था टोरेंट तक पहुँच गया था, और 23 जुलाई को ही चेक बन गया था, बट टोरेंट ने ही उसको लेट करके कल दिया है। मैं यही कहना चाहते हैं कि हमारे करीम भाई और जो जो साथ में थे सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्हीं लोग की वजह से आज हमें 4 लाख का मुआवजा मिला। अब हमारे बच्चे लोग जो है छोटे छोटे, उन लोग का समझ लो सहारा हो। हमारे पास तो हम करीम भाई के पास फोन करते थे, तब करीम भाई हमें मदद के लिए जहाँ जहाँ बुलाते थे जा रहे थे। इन्हीं लोग की वजह से ये सब हुआ।